चाइना शर्मा हत्याकांड 51 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। एसपी ऑफिस पहुंचे परिजनों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। शिवपुरी जिले के वेराड़ कस्बे में हुए चाइना शर्मा हत्याकांड के 51 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। लूट और हत्या के इस मामले को ट्रेस करने में नाकाम साबित हो रही वेराड़ थाना पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर मृतका के परिजनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को इस मामले को लेकर परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से इस हत्याकांड के खुलासे की मांग की है। वहीं मृतका के पति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर पुलिस को 7 दिन में हत्याकांड के खुलासे का अल्टीमेटम दिया गया है, अन्यथा की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मृतका के अजय शर्मा ने बताया है कि बीते 10 अक्टूबर को उसकी पत्नी चाइना शर्मा के दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट और उसके बाद हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस ने तत्काल तो सक्रियता दिखाई, परंतु उसके बाद चुनाव का हवाला देते हुए पुलिस ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिसके चलते पति ने पुलिस अधीक्षक को चेतावनी देते हुए कहा है कि दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के चलते पूरा समाज और परिजन बुरी तरह से आक्रोशित है। अगर पुलिस ने इस मामले का खुलासा 7 दिन में नहीं किया तो परिजन उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले ने तत्काल वेराड़ थाना प्रभारी नवीन यादव को मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। क्या नाम है आपका? आज आप यहाँ एसपी ऑफिस आए हो, क्यों आए हो, क्या मामला है? अच्छा, क्या क्या मांग रखी है आपने? 7 दिन में अगर खुलासा नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन पूरे थाने में करें, थाने के सामने। अच्छा, तो किसी पे आपको शक है क्या? कुछ क्लियर हो पाया है? कुछ पुलिस ने कुछ मदद की आपकी? नहीं, अभी कोई मदद नहीं की है। क्या क्या आश्वासन दिया पुलिस ने आपको? पहले दिया था कि 3 दिन में हम आपको वो करके देंगे, और आज तो 1.5 महीने होने को जा रहे हैं, कोई खुलासा नहीं।